द्वारा पैदा की गई किसी भी वस्तु का उचित मूल्य तय नहीं कर पा रहा है, तो या तो ये कानून रद्द होना चाहिए और या किसानों को अपनी पैदा होने वाली हर वस्तु का भाव तय करने का अधिकार स्वयं किसानों के हाथ में होना चाहिए। अगर हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति अपने द्वारा पैदा किए गए सामानों का भाव खुद तय कर सकते हैं, साबुन पैदा करने वाला उद्योगपति साबुन का भाव तय कर सकता है, जूता बनाने वाला मोची जूते का भाव खुद तय कर सकता है, कपड़ा बनाने वाला झुलाहा कपड़े का भाव खुद तय कर सकता है, तो खेती में गेहूं पैदा करने वाला किसान अपना भाव खुद तय क्यों नहीं कर सकता? ऐसी उसमें कौन सी कमी है जो वो अपने गेहूं का भाव खुद तय नहीं कर सकता? और सरकार ने उद्योगों में पैदा होने वाली वस्तुओं के भाव तय करने के लिए एक पैमाना बना रखा है, वही पैमाना खेती में पैदा होने वाली वस्तुओं के भाव तय करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? उद्योगों की वस्तुओं का भाव बहुत ज्यादा और खेती की वस्तुओं का भाव बहुत कम। मुझे यह बहुत दर्द से कहना पड़ता है कि मैं एक किसान के रूप में 1.5 किलो गेहूं अगर पैदा करूं और वो 1.5 किलो गेहूं मैं बाजार में बेच कर आऊं, तब उसमें से मात्र इतना रुपया मुझे मिलेगा कि मैं नहाने का एक साबुन उससे खरीद सकता हूं। नहाने का एक साबुन 18 रुपए का आता है और मेरा 1.5 किलो गेहूं बाजार में लगभग 18 रुपए का बिक पाता है। तो मैं 1.5 किलो गेहूं बेचूं तो एक साबुन मिलता है नहाने का, 1 किलो गेहूं बेचूं तो एक साबुन मिलता है कपड़ा धोने का। अगर 1 किलो गेहूं किसी परिवार को दे दिया जाए, उसकी 2 समय की आजीविका जीवन का खर्च उसमें से चल जाए, रोटी का खर्च उसमें से चल जाए, उतना गेहूं बेचता हूं तो एक साबुन आता है। आप सभी मध्य प्रदेश के किसान भाई बहन यहां आए हैं, आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये पूछिए कि हरिद्वार आने में और हरिद्वार से वापस जाने में आपका जो रेल में किराया खर्च हुआ है, जो बस में किराया खर्च हुआ है, इस किराए को निकालने के लिए कम से कम आपको 1 क्विंटल गेहूं बेचना पड़ा होगा या 1.5 से 2 क्विंटल धान बेचना पड़ा होगा, तब जाकर आप यहां पर आ पाए हैं। माने आपका 1.5 क्विंटल गेहूं बिक जाए, 1.5 क्विंटल धान बिक जाए, तब कुछ 100 किलोमीटर की दूरी तय करके आप मध्य प्रदेश से हरिद्वार आ सकते हैं। कितना बड़ा अत्याचार और कितना बड़ा शोषण हमारे किसानों का हो रहा है। तो या तो किसानों को उनकी वस्तुओं के पैदावार का भाव खुद तय करने का अधिकार मिलना चाहिए, या किसानों के द्वारा पैदा की गई वस्तुओं की कीमतें उद्योगों द्वारा पैदा की गई वस्तुओं के समकक्ष रखी जानी चाहिए, तभी किसानों की खेती लाभ में आएगी। एक तीसरी और आखिरी बात मुझे जो किसान भाइयों से कहनी है वो ये कि खेती को लाभ में लाने के लिए आप एक काम और करिए, एक प्रयत्न और करिए। खेती का सबसे बड़ा जो खर्च हो रहा है इसको अपने जीवन से खत्म कर दीजिए। आप पूछेंगे खेती का सबसे बड़ा खर्चा क्या है? खेती का सबसे बड़ा खर्चा है यूरिया डीएपी और जहरीली कीटनाशक दवाएं। तो यूरिया डीएपी खरीदना बंद कर दीजिए, जहरीली कीटनाशक दवाएं खेत में डालना बंद कर दीजिए। आपकी खेती का हर साल का 4,80,000 करोड़ का खर्चा बच जाएगा और आपकी खेती मुनाफे में आ जाएगी। उत्पादन खर्च जब घटेगा तो मुनाफा आपका बढ़ेगा, ये दुनिया का सर्वमान्य सिद्धांत है। तो आप सब किसानों से निवेदन करना चाहता हूं, विशेष रूप से भारत स्वाभिमान से जुड़े हुए किसान भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप खेती करिए, लेकिन खेती ऐसी करिए जो फायदा दे, खेती ऐसी करिए जो लाभ दे, खेती ऐसी करिए जो हमेशा आपको मुनाफा दे। घाटे की खेती मत करिए, हानि की खेती मत करिए। तो लाभ लेना है, मुनाफा लेना है खेती में, तो यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट डालना बंद कर दीजिए और उसके आधार पर गाय का गोबर, भैंस का गोबर, बैल का गोबर, गाय का मूत्र, भैंस का मूत्र, बैल का मूत्र खेती में डालिए। माने गोबर गोमूत्र से खेती करना शुरू करिए। आप बोलेंगे गोबर गोमूत्र की खेती में घाटा हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपसे इस बात का विनम्रतापूर्वक वायदा कर सकता हूं कि गोबर गोमूत्र से खेती करेंगे घाटा 1 पैसे का भी नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। धीरे धीरे उत्पादन बढ़ेगा और जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें गुणवत्ता बढ़ेगी और उसके बाद खेती आपकी ज्यादा से ज्यादा, मिट्टी आपकी फलद्रूप होती जाएगी, मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा ताकत आ जाएगी और उससे पैदा होने वाला जो घास चारा आप जानवरों को खिलाएंगे तो जानवरों के दूध में मात्रा बढ़ जाएगी और दूध की मात्रा बढ़ने के साथ उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो आप खेती गोबर गोमूत्र से करना शुरू करिए। आप बोलेंगे गोबर गोमूत्र से खेती करने में सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, किस सूत्र से हम वो खेती करें, किस अनुपात में गोबर गोमूत्र अपने खेत में डालें? पिछले 10-15 वर्षों से भारत में हजारों किसान गोबर गोमूत्र से खेती कर रहे हैं,
उन किसानों के अनुभव से जो हमने सीखा है वही एक सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं। आप चाहें तो इसको अपने डायरी में नोट कर लीजिए, ये आपके जिंदगी भर काम आएगा, और यहां से जाने के बाद अन्य सभी किसानों को बताना शुरू करिए। एक एकड़ खेत अगर आपके पास है तो एक एकड़ खेत के लिए गोबर गोमूत्र जो लगता है कितनी मात्रा में और कितने दिनों पर, एक एकड़ खेत में लगभग 15 किलो गोबर चाहिए, वो किसी भी बड़े जानवर का होना चाहिए, या तो गाय का या तो बैल का या तो भैंस का, और 15 लीटर मूत्र चाहिए, वो भी बड़े जानवर का ही चाहिए, या तो गाय का या तो बैल का या तो भैंस का। तो 15 किलो गोबर ले लीजिए, 15 लीटर मूत्र ले लीजिए, प्लास्टिक के एक टैंक में इसको मिला दीजिए, फिर इसमें लगभग 1 किलो गुड़ मिला दीजिए, 1 किलो किसी दाल का आटा मिला दीजिए, चने की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, खेसारी की दाल, सोयाबीन की दाल, कोई भी दाल, 1 किलो दाल का आटा, 1 किलो गुड़, 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, ये चारों को मिलाइए, और इसमें 1 किलो मिट्टी डालिए, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, या आम के पेड़ के नीचे की मिट्टी, या ऐसे किसी भी पेड़ के नीचे की मिट्टी डालिए जो 15-20 साल से लगा हुआ है और पुराना पेड़ है। तो 1 किलो किसी बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी, 1 किलो गुड़, 1 किलो दाल का आटा, 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, ये पांचों चीजों को एक प्लास्टिक के टैंक में मिला लीजिए, इसको घोल दीजिए, घोलकर इसको 15 दिन तक रख दीजिए, 15 दिन के बाद इसमें लगभग 150 लीटर पानी मिला दीजिए। पानी मिलाकर ये जो घोल तैयार हुआ ये सबसे अच्छा खाद है जो आपकी मिट्टी के लिए आवश्यक है। इस खाद को मिट्टी में छिड़कना है। अब मिट्टी में छिड़कने के 3-4 तरीके हैं। मान लीजिए खेत खाली है तो आप इसको सीधे डब्बे में भर के मिट्टी पे छिड़क सकते हैं, खेत खाली है तो स्प्रे पंप में भरकर इसको मिट्टी पे छिड़क सकते हैं। तो छिड़कना तो आसान है अगर खेत खाली है तो, और खेत में फसल लगी हुई है तो फसल में इसको छिड़कना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए फसल में जब आप पानी लगाते हैं तो पानी के साथ इसको मिला दीजिए। जैसे आपके खेत में पानी जाने के लिए नाली बनी हुई है, उसमें से पानी जा रहा है खेत में, नाली के ऊपर किसी को बिठा दीजिए, वो डिब्बे से भर भर के इसमें डालता रहेगा और पानी के साथ ये पूरे खेत में पहुंच जाएगा। एक तरीका और है ये डालने का, अगर आपके पास सूखा हुआ गोबर हो, जानवरों की संख्या जिन किसानों के पास ज्यादा है उनके पास सूखा हुआ गोबर भी होता है, तो सूखा हुआ गोबर अगर है तो इस पानी के घोल में ये जो गोबर गोमूत्र गुड़ दाल के आटे और मिट्टी का घोल तैयार हुआ जिसमें आपने 150 लीटर पानी मिलाया 15 दिन के बाद, इसमें सूखा गोबर डाल दीजिए, तो सूखा हुआ गोबर गीला हो जाएगा, उस गोबर के लड्डू बनाइए और खेत में वापस फेंक दीजिए, तो ये पूरा खाद जमीन की मिट्टी के साथ मिल जाएगा। और एक तरीका है, खेत में से मिट्टी खोद लीजिए, मिट्टी को इस घोल में मिलाकर गीला कर लीजिए, मिट्टी के लड्डू बना के खेत में वापस फेंक दीजिए, तो भी ये खाद खेत की मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये खाद बनाकर आप हर 21 दिन में खेत में डालिए। अगर आपकी फसल 3 महीने वाली है तो ये खाद 4-5 बार डालना पड़ेगा, अगर फसल 4 महीने वाली है तो 5-6 बार डालना पड़ेगा, अगर फसल 6 महीने वाली है तो 8-10 बार ये खाद डालना पड़ेगा। याद ये रखना है कि हर 21 दिन पर ये खाद आपको खेत में डालना है। फसल है तो पानी के साथ मिलाना है, खेत खाली है तो सीधे ये छिड़क देना है। इसका उपयोग जब आप करेंगे तो खेत की मिट्टी को नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, पोटाश मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा, ऐसे 18 सूक्ष्म पोषक तत्व गोबर गोमूत्र की इस खाद में उपलब्ध हैं। ये मिट्टी को उपलब्ध हो जाएंगे, मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, और जीवाणु मिट्टी में 2 बड़े काम करते हैं, एक तो वो मिट्टी को खाते हैं और खाने के बाद जो कुछ भी वो मल के रूप में त्याग करते हैं वो दुनिया की सबसे अच्छी खाद होती है, और जीवाणु मिट्टी को नरम बनाते रहते हैं, खोदते रहते हैं, तो सारी वाष्प जो वातावरण में उपलब्ध है वो मिट्टी को नमी के रूप में मिल जाती है। ये 2 बड़े काम जीवाणु मिट्टी में करते हैं। सबसे ज्यादा जीवाणु जो मिट्टी में काम करता है उसका नाम है केचुआ। केचुआ गोबर और गोमूत्र की खाद को खाता है और 1 साल में वो मरने से पहले 1 लाख बच्चे पैदा कर जाता है। वो भारत सरकार की बात नहीं मानता, हम दो हमारे दो, वो एक है, 1 लाख पैदा कर देता है और 1 साल के बाद ही मर जाता है।
अब वो केंचुए दिन भर मिट्टी को खोदते हैं, रात भर मिट्टी को खोदते हैं। केंचुए के बारे में एक सच्चाई है, वो ये कि वो कभी सोता नहीं, आराम नहीं करता, 24 घंटे काम करता है। मिट्टी में नीचे जाएगा खोदते हुए, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। तो बहुत सारे नली बना देता है मिट्टी में, तो बारिश का पानी इन्हीं नलियों में से नीचे उतरता है और भूमि में नमी को बना के, मात्रा को बनाए रखता है। और केंचुआ जो भी मल के रूप में निकालता है वो दुनिया